सिक्स सेमेस्टर में आपका पेपर थर्ड है यूपी उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन होल्डिंग एक्ट 1953 आपका सेक्शन आप पढ़ा रहे हैं 45 मापन या परिच्छेद करने की शक्ति अधिकारियों को मिलती है, वो इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी भी भूमि में वो प्रवेश कर सकते हैं, ठीक ना, भूमि में प्रवेश कर सकते हैं ठीक है ना। अगर किसी भूमि का मापन करना है, परिच्छेद करना है, तो जो भी अधिकारी है चकबंदी से रिलेटेड वो जो है किसी भी भूमि में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है ना, और उनका जो है उसको मापन कर सकते हैं और मापन के संदर्भ में चिन्ह निरूपित कर सकते हैं, ठीक है ना, मापन कर सकते हैं, चिन्ह जो है रोपित कर सकते हैं और सीमाओं का परिच्छेद कर सकते हैं, किसका, सीमाओं का परिच्छेद कर सकते हैं, ठीक है, किसी जमीन को नापने के लिए या सीमाओं का परिच्छेद करने के लिए किसी भी भूमि में वो प्रवेश कर सकते हैं, किसी चिन्ह को वो बना सकते हैं, रोपित कर सकते हैं, ठीक ना, ये सेक्शन 20 45 बताता है आपका चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है ना, और उसके संदर्भ में ऐसे कार्य कर सकते हैं जो उसके कर्तव्य पालन में आवश्यक हो, वो सारी शक्तियां अधिकारियों को रहती है, किसी भूमि में प्रवेश करने की शक्ति होती है, ठीक है ना। अब 45 का क्या है, इसका ये 45 क्या क्या है, यदि जो व्यक्ति इन प्राविधानों का उल्लंघन करेगा वो किसी समर्थ न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर जुर्माना कितना होगा, 1000 रुपया होगा, 1000 रुपया उसके जुर्माना लगेगा अगर ऐसे मापन के लिए सीमाओं में परिच्छेद करने के लिए किसी अधिकारी को किसी भूमि में प्रवेश करने से रोकता है, किसी चिन्ह को रोपित बना या उसको जो है लोपित करता है, तो ये सब के लिए अगर किसी न्यायालय के द्वारा वो दोष सिद्ध होता है तो उसको 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा, ठीक है ना। और इस तरह का जो है प्रोविजन इसमें लागू है, ठीक है ना। अगर इस मापन में और सीमाओं को नष्ट करने में कोई आदमी इस तरह से करता है उस पर भी 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर सीमांकन किया गया, सीमांकन किए गए कोई चिन्ह रोपित किया गया, चिन्ह बनाया गया और किसी व्यक्ति के द्वारा उस चिन्ह को गायब किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है और पूर्व की दशा में ये कॉल जो है डिलीट किया जा रहा है, तो उस पर जो है 1000 रुपये का जुर्माना लग जा सकता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि अधिनियम द्वारा स्वीकृत की जाने अपीले आज, ठीक है ना। अब आपकी बात आती है 47 की, ठीक है ना। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी की गई किसी आज्ञा के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण निमित्त आवेदन पत्र न प्रस्तुत किया जाएगा जब तक कि इस संबंध में इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा कोई व्यवस्था न की गई हो। अगर कोई व्यवस्था है अपील और रिवीजन के संदर्भ में इस अधिनियम के द्वारा किसी उपबंधों के अधीन, तभी जो है अपील रिवीजन जो है लाई करेगा, ठीक है ना। ये आपका 47 ये है मैंडेटरी प्रोविजन है, अगर किसी उपबंध में ऐसा है अपील या रिवीजन उपबंध में है तो किया जाए, अन्यथा नहीं किया जाए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है 48 जो सेक्शन है आपका, इसका हम आप चलते हैं और जल्दी ही आपका ये उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन होल्डिंग एक्ट खत्म हो जाएगा, बस 48 पे हम पहुंच ही गए हैं, 52 में चकबंदी का समापन हो जाता है, ठीक है ना। सेक्शन 48 क्या कहता है, सेक्शन 48
41 संदर्भ में यह है कि पुनरक्षण और अभिदेश, पुनरक्षण और अभिदेश, ठीक है ना। ये सेक्शन 48 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि चकबंदी संचालक किसी भी अधीनस्थ अधिकारी, ये जो चकबंदी संचालक होते हैं, चकबंदी के जितने अधिकारी होते हैं सबके इनके अधीनस्थ होते हैं, तो चकबंदी संचालक किसी अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा निर्गत किसी मामले या कोई कार्यवाही का अभिलेख जो है उस कार्यवाही की नियमितता के विषय में, अनियमितता के विषय में उस अधिकारी के द्वारा वो जो है वो अपने पास मंगा सकते हैं। कौन सा? चकबंदी संचालक, चकबंदी संचालक, चकबंदी जो संचालक होते हैं वो किसी भी अधिकारी को उनके अधीनस्थ होते हैं, उनको जो है वो उनके द्वारा जो भी निर्णय है, जो भी उनके अभिलेख हैं, उसको वो अपने यहाँ मंगा सकते हैं और उसकी शुद्धता अशुद्धता की जांच कर सकते हैं और उससे संबंध जो पक्षकार हैं उनको सुनवाई का अवसर दे करके, उनकी सुनवाई करके और उचित निर्णय दे सकते हैं, ठीक ना। हाँ, चकबंदी संचालक जो है सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और किसी भी अधीनस्थ अधिकारी के संदर्भ में अगर कोई निर्णय है या कोई अभिलेख है या जो भी कुछ है उसकी शुद्धता अशुद्धता का निर्णय करने के लिए जो है वो अपने यहाँ मंगा करके जांच कर सकते हैं और जो उसके संबंध है, जो उससे संबंधित पक्षकार है उनको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस मामले या कार्यवाही में ऐसे आज्ञा दे सकते हैं जैसा वो जी समझे, ठीक ना, वो आदेश दे सकते हैं, पारित कर सकते हैं, ठीक ना। और चकबंदी संचालक द्वारा उपधारा 1 के अधीन अधिकारों का प्रयोग उपधारा 3 के अधीन अवदेश में किए जाने पर भी किया जा सकता है, ठीक ना। इसमें ये जरूरी है कि उसमें सभी फरीकों का सुना जाना आवश्यक है, वो जो चकबंदी संचालक हैं जिनके समक्ष जो है कोई उनके अधीनस्थ अधिकारी का निर्णय है, कोई अभिलेख तलब किया है उन्होंने, उससे जो संबंध पक्षकार है उनको जो है सुनवाई का पर्याप्त अवसर देके तभी जो है उसको सुनेंगे, ठीक ना। इसी में एक स्पष्टीकरण है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए जो है बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, चकबंदी कर्ता और चकबंदी लेखपाल चकबंदी संचालक के अधीन होंगे। ये स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण 1, ठीक ना। इसके अंतर्गत जो है बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी कर्ता तथा चकबंदी लेखपाल चकबंदी संचालक के अधीन माने जाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह से जो है ये चलेंगे, ठीक है। और दूसरा स्पष्टीकरण क्या है? पहला स्पष्टीकरण ये हो गया, दूसरा स्पष्टीकरण क्या है इसका? दूसरा स्पष्टीकरण ये है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए अंतर्वर्ती आदेश का अर्थ यह होगा किसी मामले या कार्यवाही के संबंध में ऐसा आदेश होगा जो कार्यवाही या मामले में अथवा संपार्श्विक किसी विषय का निश्चय करे जिसका प्रभाव ऐसे मामले या कार्यवाही के अंतिम निस्तारण का न हो। बीच का कार्यवाही, अंतर्वर्ती आदेश मतलब बीच के, अंतर्वर्ती आदेश मतलब वो आदेश जो निस्तारण के पूर्व होता है, ठीक ना, उसको अंतर्वर्ती आदेश कहा जाता है, ठीक ना। कार्रवाई के अंतिम निस्तारण से न, ठीक ना, बीच के हो, पूर्व का जो आदेश होता है वो अंतर्वर्ती आदेश होता है, ठीक है। अब तीसरा क्या है इसका? इस धारा के अधीन
किसी भी आदेश की शुद्धता वैधता और औचित्य के परीक्षण करने का अधिकार में कोई निष्कर्ष चाहे वह किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अभिलिखित तथ्य का हो या विधि का हो सम्मिलित है, वो किसी भी मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य का पुनर्वेचन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। ठीक ना। तीसरा ये है, अगर किसी अधिकारी के द्वारा जो भी आदेश पारित किया गया है उसकी शुद्धता के बारे में उसकी औचित्य के बारे में परीक्षण करने का कोई अधिकार है नहीं है, अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा जो है अभिलिखित तथ्य का विधिका हो या सम्मिलित हो किसी मौखिक दस्तावेज साक्ष्य का पुनर्वेचन करने का भी अधिकार इसमें सम्मिलित माना गया है। तो आपका ये हो गया 48। ठीक ना। इस संदर्भ में ये उप संचालक संचालक चकबंदी को पुनरीक्षण और अपडेट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक ना। तो नेक्स्ट सेक्शन आपको हम चलते हैं और नेक्स्ट सेक्शन आपका है नेक्स्ट सेक्शन अड़तालीस खा। ठीक है ना। यस। और इसके बाद आप आती है 49 सेक्शन 49। सेक्शन 49 क्या है आपका, इससे पहले हम पढ़ते हैं 48A। 48A क्या है कि कब्जे का विनिमय। ठीक है। जब खातेदारों के बीच के अंतर्गत मंडल की भूमि प्रबंधक समिति धारा 48 के अधीन पारित आज्ञाओं के परिणाम स्वरूप कब्जे का परिवर्तन आवश्यक हो जाए तो ऐसे आज्ञाओं के अनुसार द्वारा आपस में कब्जे का विनिमय पूर्ण होगा। जो विनिमय पूर्ण जो कब्जा होगा एक दूसरे का वो विपूर्ण माना जाएगा। ठीक ना। इसके अंतर्गत जो है चकों का विनिमय होगा उनको विनिमय पूर्ण माना जाएगा। ठीक है ना। और उसमें प्रबंधक समिति है तो जब पारस्परिक समझौते द्वारा कब्जे के परिवर्तन न हो सके तब सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा ऐसे खाताधारों को भूमि प्रबंधक समिति द्वारा 28 के बंदों के अनुसार कब्जा दिलाएगा। उप संचालक चकबंदी जो है वो धारा 28 के अंतर्गत जो है वो कब्जा दिलाएगा। ठीक है। खातेदारों का को भूमि प्रबंधक समिति को और खातेदार को धारा 28 के अंतर्गत कौन कब्जा दिलाएगा, आपका सहायक चकबंदी अधिकारी। अब बात आती है 49 सेक्शन 49 के बारे में। 49 सेक्शन क्या है। 49 सेक्शन 49 स्पष्ट रूप से चकबंदी मामलों में जो दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाया गया। ठीक है ना। अगर कोई मामला कोई प्लॉट जो है चकबंदी के अधीन है, ये जो है मामला जो है यहाँ चकबंदी जो है प्रवृत्त है चकबंदी प्रक्रिया के अधीन है उसमें दीवानी न्यायालय के क्षेत्र से वर्जित किया जाएगा। ठीक है ना। हाँ। बार टू सिविल जुडिक्शन की सिविल का जो जुडिक्शन है उसको बार किया जाएगा अगर कोई प्लॉट कोई क्षेत्र चकबंदी प्रक्रिया के अधीन है। ठीक है ना। और इस तरह से जो भी चकबंदी कार्रवाइयां से उत्पन्न हो इसके संबंध में अधिनियम के अधीन कोई कार्रवाई की जा सकती थी या तो की जानी चाहिए थी उसमें जो है वो उस पर दीवानी न्यायालय का रोक लगेगी। ठीक है ना। परंतु प्रबंध यह है कि धारा में कोई बात ऐसी भूमि के संबंध में जिस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुसार गांव सभा को कब्जा दिया गया हो या दिया गया समझा जाता है वो भूमिदारी जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम अधीन कार्यों प्रारंभ करने पहले कलेक्टर को प्रवृत्त नहीं करेगी। ठीक ना। प्रारंभ करने के इसका मतलब है जहां चकबंदी प्रक्रिया चल रही है वहां जो है सिविल आपका जुडिशन बार करता है। ठीक है ना। वो वहां सिविल जुडिशन नहीं रहेगा जब तक चकबंदी प्रक्रिया चले। ठीक ना।
और इस तरह से ये है। अब बात आती है आपका सेक्शन 50। सेक्शन 50 क्या कहता है आपका? सेक्शन 50 जो है वो सेक्शन 49 का क्या है? इसका क्या है 49 का? यह है कि इस अधिनियम के बनी नियमावली के अंतर्गत की कार्रवाई की सुरक्षा, कोई भी बात अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्रवाई किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी जो उक्त अधिनियम या अंतर्गत नियमावली के अधीन सद्भावना पूर्वक। इसकी जो चकबंदी अधिनियम है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अगर कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक कोई कार्य करता है, ठीक है ना, तो उससे किया गया कार्य की अगर किसी को थोड़ी भी छत होती है तो उसके अंग्रेजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये माना जाएगा कि इसके अंतर्गत जो है सद्भावना पूर्वक कार्य के द्वारा किया गया है। ये आपको बताता है आपका 49 का, अगर कोई कार्रवाई हो सद्भावना पूर्वक की गई, ठीक है ना, तो कोई बात कोई अभियोजन अन्य विधिक कार्रवाई किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी जो कार्य उसने सद्भावना पूर्वक किया है, उसके अंगेज कोई न सूट दाखिल किया जाएगा, न कोई अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी, न कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो उसके विरुद्ध हो, ठीक है ना। तो ये है। अब बात आती है न्यायालय शुल्क से मुक्ति। इसमें न्यायालय शुल्क नहीं लगता, शुल्क से इसमें मुक्ति रहती है, वकालत नामे के अतिरिक्त इस पर कोई शुल्क नहीं लगता, ठीक है ना। हाँ, अब बात आती है सेक्शन 51। सेक्शन 51 क्या है आपका? सेक्शन 51 है कि संक्रमण को निष्पादित करने के लिए कोई कारण आवश्यक नहीं है। इसमें यह है कि तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी अंतिम चकबंदी योजना को कार्यान्वित करने में जूतों का जो संक्रमण होगा उसे पूरा करने के लिए ना तो किसी लिखित कारण की आवश्यकता होगी, ना ऐसे कारण निष्पादित किए जाने में इसकी रजिस्ट्री की आवश्यकता होगी, ठीक ना। मतलब ये जो संक्रमण है ये कार्रवाई जो चकबंदी के अधीन जब हो जाती है तो उसकी और कोई जो है आवश्यक कार्रवाई शेष नहीं रह जाती है, इसके लिए कोई रजिस्ट्री आवश्यक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कब्जा दिलाया जाता है एक प्लाट से दूसरे प्लाट पर, तो वो संक्रमणीय के आधार पर कोई रजिस्ट्री या इस तरह कोई बात उसमें नहीं। अब बात आती है सेक्शन 52। ठीक, आज ये चकबंदी अधिनियम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें यह है चकबंदी क्रियाओं की समाप्ति, ठीक है। धारा 52 के अंतर्गत जो है अभिलेख तैयार करने के ठीक पश्चात जो है उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी गजट में इस आशय की सूचना जारी कर दी जाएगी कि पट्टी प्रभावित एरिया में चकबंदी कार्रवाई समाप्त कर दी गई है, ठीक है ना। और इस तरह से चकबंदी की योजना जो है वो समाप्त हो गई, ठीक। हाँ, नेक्स्ट सेक्शन में हम दूसरा कोई एक्ट पढ़ाएंगे, ओके।